आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात न्यूज। हम छिपाएंगे नहीं, खबरें दिखाएंगे। नमस्कार। ताजा मामला फतेहपुर जनपद के आबू नगर मोहल्ले का है, जहां पर आज तड़के 5:30 बजे काली बाइक सवार दो अज्ञात हमलावरों ने 65 वर्षीय बुजुर्ग को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीनी विवाद के चलते गोली मारी गई। मौके पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुटी है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों की माने तो पहले भी गाड़ी से कुचल कर युवक को मारने का किया गया था प्रयास। आइए हम बातचीत करते हैं परिजनों से और जानते हैं किस प्रकार से कहाँ के मोहल्ले के हैं, परिवार के रिश्तेदार हैं? नहीं, परिवार के नहीं ऐसे। आप उनकी लड़की हैं? जी। क्या नाम है? प्रिया। उनकी पत्नी है राम पूजा पता? हाँ। क्या नाम है? कलब कृष्णा। ये मुकदमा न्यायालय किस जिस तलाक के चल रहा था? सारे तलाक न्यायालय चल रहा है। अभी प्लाटों कब्जा था? कब्जा इन्हीं का था कि दूसरे का था? क्या हुआ था? निकले अपने लैटरिन कराए थे, तो यहाँ पे आवाज हुई है ये बताओ, कोई घर पे आया था बुलाने? ये बता रहे थे बुलाने आया था? बुलाने कोई नहीं आया था। मैं पति के पास 3 बजे रात में फोन आया है। अच्छा। उनसे पूछे मैं किसका क्या फोन आया है? बोले बगहा का फोन है। अच्छा कोई बात नहीं, सुबह जाने का काम है। फिर लेट गए 4 बजे, फिर सर फोन गया। फिर 4 बजे कुछ नहीं हमसे बोले हैं, मना भी किए, लेकिन ये उठे हैं, जग लिए, नीचे पानी पिए ने, उसके बाद ही बाहर निकल गए। फिर सुबह बाबू उठे, छत पर झाड़ू लगाए ने, बिट्टे मैं रो रहे थे, मुट्ठी कपड़े दिए थे, बाबू नीचे आए, नीचे डेयरी से लाइटिंग करा रहे थे, तभी यहाँ पे पाइप लगा रहे। उसके बाद दो एक गाड़ी में 2 लोग थे, काले ड्रेस में थे। यहीं पे आवाज हुई बोलने की, यहाँ ये घर में देखो, वहाँ तक चिल्लाते आए पकड़ो पकड़ो, आगे से छाको। फिर वहाँ घर आया ने बिट्टी पागल चमका, भैया कहाँ है तो कुछ बता नहीं पा, छत पर चढ़ गए कान बुलाए, तो मैं ससुर को बोल ही मार। हाँ, ये भूतन यादव हैं, लगभग 60-65 साल की अवस्था है। ये बताया जा रहा है कि सुबह घर से निकले हैं, किसी व्यक्ति ने जो है घर के करीब 50 मीटर दूरी पर जो गोली मार दी है, इससे इनकी मृत्यु हो गई है। इसमें अभी तक जो घर वाले से बातचीत के बाद जो बातें संज्ञान में आ रही हैं, वो जमीन का इनका प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, वो जमीन थी जिसमें भी बात और उसी पर आशंका है। हम लोग अभी इसमें जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के भाई का भी नाम इसमें आ रहा है अभी आपके साथ बात। अभी स्पष्ट कुछ भी नहीं है, हम लोग ये चीज़ें छानबीन कर रहे हैं, जो भी तहरीर देंगे उसको लिख करके।